दोस्तों इसके अलावा मैं अन अकेडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सों को देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अन अकेडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में यहाँ पर आप मेरा नाम सर्च करेंगे अभिनव सिंह, और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपकी यूपी ट्रेवल एससी वीडियो युवा कल्याण यूपी पीसीएल री एग्जाम यूपी पीएससी आर ओ एआर व अन्य सभी एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पर लगातार अच्छे कोर्स दिए हैं, जो कि जनरल हिंदी का कोर्स, जनरल स्टडी का कोर्स, साइंस का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, करंट अफेयर का कोर्स व मैथ्स के कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आज ही डाउनलोड करें अन अकेडमी का लर्निंग ऐप और वहाँ पर मुझे फॉलो करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीसीएल री एग्जाम एआरओ फुल रिव्यू, या आपका फर्स्ट शिफ्ट का पूरा फुल रिव्यू यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो सभी क्वेश्चंस और जो टॉपिक हैं उनको आपको अच्छे से देखना है, और जिसने भी पेपर यहाँ पर दिया है उसको अगर कोई भी क्वेश्चन पता है तो वो मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर में एम एस वर्ड हो गया, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल, ये टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं। आगे हम बात करेंगे फुल फॉर्म आपको पूछा गया आर्टिकल का, टी आई एफ आर का, एम एस टी एफ ए टी पी और एस एम टी पी और टी आई एफ एफ यू एस बी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन हमें मिले हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यूज ऑफ एच टी टी बी, ये आपको पूछा गया है। साइबर क्राइम का डिफिनेशन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आई पी एड्रेस से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और एंड ये गेट से क्वेश्चन है, और एंड और गेट से क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिवर्सल गेट किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। शॉर्टकट की जब जो आपकी एक्सेल की शॉर्टकट की है उससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम यानी कि वर्कशीट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ ब्रश इन एम एस पेंट में कितने नंबर ऑफ ब्रश होते हैं, यह वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और एम एस पेंट से तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। व्हाट इज न्यू लाइन फीचर इन एम एस वर्ड, यह क्वेश्चन आपका एक पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस तरह से पूछे गए हैं, और यूनिवर्सल गेट से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कुल मिला के आपका इस तरह का कंप्यूटर का ये पेपर जो है ये पूछा गया है, और जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो भी वो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है अधिक से अधिक, और जो भी मुझे और मिलेगी वो मैं आपको लगातार यहाँ पर बताता रहूँगा। तो जिन लोगों का पेपर है 15 को वो इस पूरे रिव्यू को अच्छे से देख लें, और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी यहाँ पर कीजिए। आगे हम बात कर लेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी में क्या क्या था, अलंकार था, रस था, छंद टॉपिक शायद पूछा गया है कि नहीं पूछा गया ये कन्फर्म नहीं है, बट इस टॉपिक को भी यहाँ पर आपको कर लेना है, ठीक है। आगे संज्ञा आपका है, यानी कि पूरा जो आपका ग्रामर का पोर्शन है हिंदी में वो पूछा गया है, तो ग्रामर के पोर्शन को यहाँ पर आप तैयार कर लेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अलंकार की परिभाषा, वाक्य सरल मिश्र संयुक्त हो गया, जैसे कि क्वेश्चन तक सीता आलंबन है तो राम क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। समास क्वेश्चन है, संधि पर्यायवाची विलोम मुहावरे, ठीक है, और ये सारे टॉपिक आपके पूछे गए हैं। तो इन सभी टॉपिक को यहाँ पर आपको कर लेना, यानी कि आपका जो ग्रामर का पोर्शन पूरा हिंदी का है वो आपको कर लेना है, और बाकी आपका संधि हो गया, समास हो गया, और ये सभी टॉपिक आपको यहाँ पर कर लेने हैं, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हमने आपको करवा रखे हैं। आगे जी एस में यहाँ पर क्या था कि फाउंडर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जुपिटर के कितने मून हैं, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, डैम ऑन कृष्णा रिवर, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इंडियन आई टी एक्ट ईयर पूछा गया था, और भाव समृद्धि के जनक पूछा गया था, हर्ष चरित्र की बुक की मतलब इसको किसने लिखा है, और फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था ये किस मैदान पर इसका फाइनल खेला गया था, पाटिल पुत्र की खोज यहाँ पर किसने किया। तो ये सभी क्वेश्चन आपके जी एस से पूछे गए थे। तो जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन मुझे मिल पाए अभी तक हमने आपको बता दिया, और जिन लोगों ने पेपर दिया है कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर हम इंग्लिश के बारे में, तो सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में इसको इंटरचेंज करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से 6 से 8 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछा गया है। होमोफोन से क्वेश्चन पूछा गया कि दो आपके वर्ड लिखे हुए हैं अलग अलग, उनका बोलोगे तो दोनों का सेम साउंड आएगा लेकिन उनका अर्थ होता है अलग अलग, ठीक है। इरर से 10 से 12 क्वेश्चन थे, हो सकता है कि ज़्यादा भी पूछे गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जिन लोगों ने काउंट किया उन्होंने बताया, हो सकता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम आपके 8 से 10 पूछे गए थे। पैसेज आपके 5 था क्वेश्चन, वन वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स आपका आया था, और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए थे और सभी टॉपिक थे, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यहाँ पर आपका पूछा गया था, और इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। जैसे कि आपने स्टेनोग्राफर का पेपर अगर आपने नहीं देखा है, हमने इसका वीडियो दिया है स्टेनोग्राफर के पेपर का, तो उस वीडियो का वॉच कर सकते हैं आप, यहाँ आपको मिल जाएगा उसका रिव्यू जो है हमने किया था आंसर की का। तो सेम स्टेनोग्राफर के पेपर की तरह यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आपका पूछा गया है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर तैयारी करना है अपना इंग्लिश का, ठीक है।
अब यहाँ पर टॉपिक आता है आपका रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन से पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से, सिलॉग से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, स्टेटमेंट और एजम्पशन से क्वेश्चन पूछा गया है, सेटिंग अरेंजमेंट आपका है, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, ठीक है। यानी कि जैसे आपका स्टेनोग्राफर का पेपर था सेम उसी तरह से आपका यहाँ पर पेपर ERO का आया है, रीजनिंग सेक्शन का। अगर अभी तक हमने स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उसका जो मैंने आपको रिव्यू दिया है आंसर की, अगर नहीं देखा तो उसको देख लें, उसी तरह का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग के सेक्शन में और इंग्लिश के सेक्शन में। तो वैसे ही यहाँ पर आपको तैयारी करना है 15 तारीख के लिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा रिव्यू पसंद आया होगा। तो अभी तक हमको जितना इसमें पता चला है वो हमने आपको बता दिया है, बाकी जिन लोगों ने पेपर दिया अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे इसके जो आपका दूसरा वाला शिफ्ट है उसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में, ठीक है।